आप व्यापार करते हैं, क्या आपका व्यापार गारमेंट स्टोर का है या आप कपड़े के व्यापारी हैं और बहुत पुरानी आपकी दुकान है, उस दुकान में उस शॉप पे आप कंप्यूटर से बिल बनाना चाहते हैं, ऐसी कंडीशन में आपको सबसे पहले एक ओपनिंग स्टॉक ऐड करना होगा, जिसके माध्यम से आपको ये पता कर पाएंगे कि कौन सा प्रोडक्ट हमारे पास कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है। उस स्टॉक को हम अपने ओल्ड वाले जो हमारा स्टोर था उसको हमें कंप्यूटर पे ऑनलाइन लाने के लिए या फिर ऑफलाइन बिलिंग सॉफ्टवेयर में लाने के लिए सबसे पहले उसकी अवेलेबल क्वांटिटी क्या है हमको उसको पता करना होगा, और उस अवेलेबल क्वांटिटी जो है उसको हम ओपनिंग स्टॉक के रूप में हम माई बिलिंग पैड के जीएसटी बिलिंग सॉफ्टवेयर में कैसे इंसर्ट करेंगे और पूरा प्रोडक्ट की एंट्री कैसे करेंगे कि वो प्रोडक्ट का नाम क्या है, वो प्रोडक्ट कौन से ब्रांड का है, ये प्रोडक्ट कौन से डिपार्टमेंट से आता है। जैसे डिपार्टमेंट में आपका आ गया किड्स वेयर, या तो फिर आपका आ गया आपके मेंस वेयर, लेडीज वेयर, तो इस तरीके से कौन सी डिपार्टमेंट से वो जो कपड़ा है डिपार्टमेंट हमारा चूज करना है, इस तरीके से कैसे सेलेक्ट करेंगे। और दो तरीके से बारकोड भी होता है, एक तो कुछ ऐसे जो ब्रांडेड कपड़े होते हैं उसमें बारकोड लगे आते हैं उसको कैसे मैनेज करना है, और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें बारकोड जनरेट करना पड़ता है, तो सिस्टम से ऑटोमेटिक कैसे जनरेट होगा उसके बारे में हम देखेंगे। आइए हम कुछ ओपनिंग स्टॉक, कुछ प्रोडक्ट की एंट्री कर ओपनिंग स्टॉक को जनरेट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने कपड़े की दुकान में या क्लॉथ स्टोर में आप ओपनिंग स्टॉक बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले प्रोडक्ट आइटम पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम डालेंगे, जैसे हमने डाला TSHIRT टी शर्ट, फिर उसका ब्रांड हमने इस तरीके से डाल दिया, साइज जो भी डालना है मेंस का है मैंने डाल दिया, यहाँ पे इस तरीके से अदर मैंने डाल दिया, HSN कोड है ठीक है, पार्ट नंबर है ठीक है डालिए, नहीं तो मत डालिए। यहाँ पे मैंने परचेज का रेट डाल दिया कि ₹800 हमारी खरीदी है और इसकी सेल प्राइस ₹1200 है। हमारे पास दो पीस रहे तो अलर्ट हो जाए। ओपनिंग स्टॉक इसको मैं डाल रहा हूँ 10 पीस हमारे पास है। ये बारकोड ऑटोमेटिक जनरेट होता है, अगर आपके प्रोडक्ट में ऑलरेडी पहले से बारकोड है तो उसको स्कैन कर आप ले सकते हैं। यहाँ पर आपका आ गया टैक्स, जैसे 6% आपका ये रहा, 6% ये रहा, 0030 करके है। इसके बाद आप यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर लीजिए। जैसे सेव बटन पे क्लिक कर लेंगे, इसके बाद अगर हम सेल पॉपअप पे जाते हैं, सेल पॉपअप पे जाने के बाद यहाँ पे अगर मैं डालता हूँ टी शर्ट, देखिए टी शर्ट आ गया, इंटर कर लिया। इंटर करने के बाद ऑटोमेटिक अगर आप देखेंगे इस तरीके से इसका बारकोड आ गया, इसकी क्वांटिटी आ गई इस तरीके से देख रहे हैं आप, और यहाँ पर ऐड कर सकते हैं इस तरीके से अपना आप प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे सेटल बटन क्लिक कर अपने पेमेंट का भुगतान कर आप उसको बिल टोटल आप प्रिंट आउट कर सकते हैं। इस बिलिंग सॉफ्टवेयर में आप दोनों प्रिंटर यूज कर सकते हैं, थर्मल प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर में आपका 3 इंच का बिल निकाल सकते हैं, लेजर प्रिंटर में A4 और A5 का बिल निकाल सकते हैं। दोस्तों माई बिलिंग पैड के GST बिलिंग सॉफ्टवेयर में इजी और आसान तरीके से ओपनिंग स्टॉक को क्रिएट कर अपने सेल को आसान तरीके से काम कर सकते हैं। यहाँ से सेल रिपोर्ट है जिसको अपडेट बिटवीन के ऊपर आप देख पाएंगे।